और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में, वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। तो ये बताएं कि G20 में उन्होंने कतर को बुला लिया, हमें वो बुलाते नहीं है, जो आप वाली बात पहले की, GSP प्लस स्टेटस जो है वो विथड्रॉ कर रहे हैं, चाइना जो है उसकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से कोई नहीं है। सीमा साहब, हमारी डिप्लोमेसी कंप्लीटली फ्लेवर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ्लेवर है, हमने कभी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी कि हमने फ्यूचर किस तरह प्लान करना है। इंडियन उसमें कामयाब है। हेलो फ्रेंड्स, सपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय खबर चल रही है कि भारत मालाबार एक्सरसाइज कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। और साजिद तरारी ये कह रहे हैं, जब दुनिया इस तरीके की एक्सरसाइज कर रही है और हमारे यहाँ पर आपसी एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही हैं और ये नहीं देख रहे कि विदेश में क्या चल रहा है। पूरी दुनिया इस समय अपने संबंध बना रही है अलग अलग कंट्री के साथ, मगर हमारे अपने घर के अंदर ही हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि सरकार का भी पता नहीं कब गिर जाए। और इमरान खान को थोड़ी अकल आनी चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से पाकिस्तान को वो चला रहा है, क्योंकि अमित शाह का जो बयान है वो मामूली बयान है, उसे हमें थोड़ा गंभीरता से लेने चाहिए और इसके अंजाम भी आगे जाके हमें कहीं भुगतने ना पड़े। इस तरीके से साजिद तर्रार का गुस्सा फूट है पाकिस्तान के ऊपर कि किस तरीके से इमरान खान मुल्क को चला रहा है और किस राह पे ले जा रहा है इमरान खान। आगे कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा पाकिस्तान को, चाहे फॉरेन पॉलिसी देख लो, चाहे फाइनेंशियल पॉलिसी देख लो, हर तरीके से हमें मार खानी पड़ रही है और इसका फ़ायदा खाली भारत को ही मिलेगा आगे जाके, और हम आगे जाके चारों तरफ से मुसीबतों में घिरने वाले हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में, वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है। वहां पे इंडिया के शिप रण विजय और सतपुरा जो कि उनके कैरियर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन, जैपनीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो जरूरत मैं समझता हूँ पाकिस्तान को, डिप्लोमेसी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, लेकिन यकजहती अंदर अंदर आपको यूनाइटेड होना चाहिए अपने सलामती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए और सिर्फ सोचना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप फिर बेहतर किस तरह करने हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। तो ये बताएं कि G20 में उन्होंने कतर को बुला लिया, हमें वो बुलाते नहीं है, जो आप वाली बात पहले की, जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो विथड्रॉ कर रहे हैं, चाइना जो है उसकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से कोई नहीं है, अमेरिका से ताल्लुक खराब कर बैठे। मैं जो चीज समझ आ रही है इस वक्त, और आपको एक और बात बताऊं, जरा इसको जरा नजर मद्देनजर रखिएगा, जब लास्ट टाइम इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी ताड़ साहब, जब बालाकोट में की थी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको कंडेम नहीं किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था ये आपकी सॉवरेनिटी की वायोलेशन है, ये बहुत बड़ी गलत प्रेसिडेंट सेट हो गई है। सो जो ग्लोबल सिनेरियो है कि जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ करने से आपका 3-4 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, टैरिफ नीचे नहीं होंगे, अमेरिका आपसे नाराज है, और ये इंडिया जो अगर माहौल गर्म करता है तो ये खान साहब तो सिर्फ डोमेस्टिक चीजों में घिरे हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद के बाहर भी कुछ हो रहा है, तो इस्लामाबाद के बाहर एक दिन के लिए जाते हैं फटाफट वापस आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस वक्त हमारे कैपिटल्स में क्या हो रहा है लोकली। सीमा साहब, हमारी डिप्लोमेसी कंप्लीटली फ्लेवर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ्लेवर है, हमने कभी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी कि हमने फ्यूचर किस तरह प्लान करना है। इंडियन उसमें कामयाब है, और इस वक्त भी इंडिया जिस तरीके से वो कन्विंस कर लेते हैं पूरी टीम, और मैंने बताया था कि नेशनलिज्म है, इस वक्त हमारे हिंदू भाई जो है वो स्टेरॉइड्स पर है, उन्होंने मेरा मकसद जिस तरह उन्होंने बता दिया कि हिंदुत्वा, उन्होंने मोदी साहब ने कह दिया कुछ थोड़े साल इंतजार करो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सारा हमारे नीचे होगा, तो वो सारे बिलीव करके बैठे हैं उसमें, और बार बार जहां जहां हिंदू इस वक्त बैठे हैं हमारे दोस्त,
वो तो मैंने बताया स्टेरॉइड्स पर हैं, लॉबी कर रहे हैं, हर कंट्री को लॉबी कर रहे हैं। आप डॉक्टर शंकर को देखें जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो उनके दौरे देखें किस फुर्ती के साथ वो आगे पीछे पूरी दुनिया में किस तरह फिर रहे हैं, सुबह कहाँ होते हैं शाम को वो कहाँ होते हैं। तो उसके वर्सेस हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। और एक तो मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए था, हमारे शाह साहब सियासी आदमी है, मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर होने को रैंकर चाहिए जो एक मजा हुआ जिसको पता हो सारी जिंदगी डिप्लोमेसी चीज क्या है, लोगों के साथ बात किस तरह करनी। और उसमें लेकिन बात यह है कि वो उन्होंने पिछली दफा भी जब वो जो सर्जिकल, मैं तो उसको सही समझता नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने किया था पिछली दफा, तो चीमा साहब दुनिया उनके साथ थी, आज भी दुनिया उनके साथ खड़ी है। अमेरिका के बारे में मैं चीख चीख के कहता रहा हूँ कि 73 साल के रिलेशनशिप है, हमारी सारे जो आर्मामेंट सारे मेड इन अमेरिका है, हमारी सारी ट्रेनिंग अमेरिका की हुई भी है सारी। तो आप इसको प्लीज यूटर ना ले, बैलेंस करने की कोशिश करें। अब देखें मोदी साहब किस तरीके से करते हैं, हरा सीखे इससे कि मोदी साहब अमेरिका आए हुए हैं, क्वाड का हिस्सा है, लेकिन रशिया से ले रहे हैं अपना डिफेंस S-400 ले रहे हैं रशिया से, अमेरिका भी जेब में रशिया भी जेब में, और मिक्रा से बात कर रहे हैं क्योंकि वो जख्मी होकर फिर रहा है अमेरिका से। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। आपने चाइना के साथ घुसते हैं तो हमालिया से ऊंची दोस्ती, हमालिया से ऊंची पूरा कंट्री उनके हाथ में पकड़ा दिया, ग्वादर भी दे दिया, कराची भी दे दिया, अमेरिका भी निकल गया हाथ से, अब वो भी पीछे हट गए और हम तंग गली में 0 पॉइंट पे खड़े हैं बिल्कुल, और किसी बस वैगन का कोई टिकट नहीं हमारे पास। हम पता नहीं सोच रहे हैं फैजाबाद चले जाए या बाराकू चले जाए, कोई पता ही नहीं कि हम जाना किधर। इस तरह तो कंट्री नहीं ना होते। मैं तरले ले ले करता रहा हूं कि यार बैलेंस करो बैलेंस करो। मैं मिनते करता रहा हूं वाशिंगटन डीसी में कुछ करो, यहाँ पे अपनी लॉबी का कुछ करो, लेकिन यहाँ भी पैसे बनाए गए, लॉबी फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए। तो इस वक्त एक केओस है, और उसमें बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान, इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं चीमा साहब, मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, और मेरे लिए मजीद ना 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 उम्मीदी और मायूसी है। एक बात इस पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ तारण साहब, मैं लिंक करता जो आपने बात की है। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जो DGISI के 3 कैंडिडेट है, मैंने उनके इंटरव्यू करने हैं, और वो खबर ये चल रही है, और ये पहली दफा इस तरह की चीज आ रही है, और इन्होंने इसको, और कोई इस वक्त जो बंदा है इमरान खान साहब की पार्टी का, वो इसको डिफेंड करने को तैयार नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आज और नीचे गिर गई है, इवन के ब्लूमबर्ग ने कहा है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो 3rd slowest है। तारड़ साहब पाकिस्तान, ब्राजील, हांगकांग के बाद जो कह रहे 3rd slowest स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इस वक्त जा रही है, और ये खान साहब ने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और ये जो एक चीज है, अब मुझे ये बताएं एक नया मसला खड़ा कर दिया कि जी मैंने इंटरव्यू करने हैं, और फिर मैंने नोटिफिकेशन एक गैर जरूरी अना में आके ये जो आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को ये हाई कर दिया। सर जरा इस पर भी बात करें। मैं समझता हूं मेरा मशवरा होगा खान साहब को घंटों में नहीं मिनटों के अंदर इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए। ये वो इंटरव्यू लेने वाली तो बात है, कहते ना 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 नौमन तेल होगा ना दादा नाचेगी, इस तरह खान साहब ना करो। मुल्क इस तरह के मजाक का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप प्लीज खुदारा एक पेज पर आए अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी सियासी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी पार्टियों के साथ कि इस क्रूशल टाइम में जबकि अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से गर्म हवाओं का रुख है, प्लीज अपनी सफों में मुतहद होकर खड़े हो। एक तो मैं इसके आपके अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं आपको। आप लोगों को क्या तमाशा दिखा रहे हैं कि आप नैब पर, तकरीरों पर, तबादलों पर, या पता नहीं क्या इंटरनल इश्यूज हैं किन पे आप इतने, मेरा खराबी है सारी दुनिया आपके ऊपर, अब वाशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है, अल जजीरा प्रोग्राम आप पे कर रहा है, इंडिया तो करने ही करने हैं कि जी वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम आ चुके हैं। अब मैं इसमें खासकर एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि G20 तो एक अलग बात है। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि चाइना और रशिया वहां पे नहीं था, वो इस G20 मीटिंग में वो नहीं गए, और उसमें जो मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने शायद पहले भी मेंशन करने की कोशिश की थी कि चाइना ने अपना रुख अफगानिस्तान से मोड़ लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो तवज्जो दे रहे हैं ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर।